दोस्तों मैच के बाद प्रीति जेंटा ने सिराज को लगाया गले तो मैक्सवेल देखता रह गया। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी किस तरीके से यहां पर दोस्तों मैच के बाद ये कारनामा हुआ बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं सिराज के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2023 एक बार फिर से अपनी चरम पर पहुंचता जा रहा है क्योंकि आईपीएल 2023 के अभी तक 27 मुकाबले गुजर चुके हैं और 27 मुकाबलों में जिस तरीके से यहां पर आरसीबी का प्रदर्शन रहा वो काफी उम्दा रहा। आरसीबी का पिछला मुकाबला जो खेला गया वो पंजाब किंग्स के खिलाफ हुआ। पंजाब किंग्स के खिलाफ इस मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 174 रनों का विशाल का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब की टीम बिना शिखर धवन के इस मुकाबले को चेज नहीं कर पाई। दरअसल दोस्तों अथर्व टाइडे और प्रभसिमरत सिंह ने बहुत बड़ी पारियां नहीं खेली। सिंह ने तो बढ़िया पारी खेली लेकिन अथर्व टाइडे फ्लॉप हो गए। उसके बाद मैथ्यू शॉट भी फ्लॉप हुई और नए आए लियाम लिविंगस्टोन भी पूरी तरीके से फ्लॉप हुए। उसके बाद पूरी की पूरी यहां पर दोस्तों यहां पर पंजाब की टीम कोलैप्स कर गई। जितेंद्र शर्मा ने शानदार 27 गेंदों में 41 रन तो बनाए लेकिन उनके इस पारी के बावजूद भी पंजाब की टीम 24 रनों से मुकाबला हार गई। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले के जीत के हीरो रहे आरसीबी के लिए मोहम्मद सिराज। भले ही ओपनर बल्लेबाजों ने सिराज के अलावा अच्छी बल्लेबाजी की हो लेकिन इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके की गेंदबाजी की अपने आप में उम्दा था। दरअसल दोस्तों मोहम्मद सिराज ने इस मुकाबले में 4 ओवर की गेंदबाजी की और 21 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी के बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया क्योंकि दोस्तों ऐसे ऐसे समय पर सिराज ने विकेट चटकाए थे जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। सिराज ने दोस्तों पहले ही यहां पर ओपनर अथर्व टाइडे को आउट किया, उसके बाद लियाम लिविंगस्टोन जैसा बड़ा विकेट उन्होंने लिया और फिर दोस्तों हरप्रीत बरार को तो उन्होंने बोल्ड आउट किया, योनाथन एलिस को भी आउट किया और एक रन आउट में भी उन्होंने भाग लिया। इसके अलावा दोस्तों उनको मैन ऑफ द मैच मिला तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने आई प्रीति जेंटा और प्रीति जेंटा जब अवार्ड दे रही थी तो मैक्सवेल यहां पर दोस्तों आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। उनका ये रिएक्शन काफी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है जिसके बाद बताया जा रहा है कि मैक्सवेल यहां पर दोस्तों लगातार सिराज को घूरते जा रहे थे जब यहां पर प्रीति जेंटा ये अवार्ड दे रही थी। अब आप किस पर क्या राय, आने वाले मुकाबलों में सिराज कैसी गेंदबाजी करेंगे कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।